लर्नर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस अपोस्ट्रोफी एंड ऑफ। आज का विषय अपोस्ट्रोफियस अपोस्ट्रोफी एंड ऑफ का प्रयोग है। मैं आज आपको इसका प्रयोग बताने वाला हूँ, आप इसका प्रयोग कैसे करिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप पूरा समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज यूज टू शो रिलेशन और पोसेशन ऑफ द नाउन। इसका प्रयोग नाउन के अधिकार या संबंध को दिखलाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट रूल है अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड इन द एंड ऑफ सिंगुलर पर्सन्स एंड एनिमल्स नेम। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम सिंगुलर पर्सन्स व्यक्तियों और जानवरों के नाम के अंत में प्रयोग करते हैं। इसका अधिकार या संबंध को दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है मोहन्स बुक, मोहन की किताब। मोहन्स बुक, मोहन की किताब। नेक्स्ट है द गर्ल्स स्कार्फ, लड़की का दुपट्टा। नेक्स्ट है द लायंस रोर, शेर की दहाड़। नेक्स्ट है माय मदर्स नेम, मेरी माँ का नाम। माय मदर्स नेम, मेरी माँ का नाम। नेक्स्ट है रोहन्स कैप, रोहन का टोपी। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या किसका प्रयोग किया गया है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है सिंगुलर व्यक्तियों और जानवरों को के संबंध या अधिकार को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट रूल है इफ़ इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन एडेड एस या ईएस देन वी यूज अपोस्ट्रोफी। अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस या ईएस जुड़ा है तब हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का विद्यालय। नेक्स्ट है बॉयज हॉस्टल, लड़कों का छात्रावास। ये सब क्या है, प्लूरल है, अपोस्ट्रोफी एस से इसको दर्शाया गया है, अपोस्ट्रोफी से दर्शाया गया है। नेक्स्ट है लायंस रोर, शेरों की दहार। नेक्स्ट है नर्सेज स्ट्राइक, नर्सों का हड़ताल। नेक्स्ट है गर्ल्स आइज, लड़कियों की आँखें। तो आप देख सकते हैं अगर किसी प्लूरल नाउन के अंत में एस या एस लगा हुआ है तो उसका अधिकार को हम बता अधिकार या संबंध को बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केवल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल है ऑफ इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशन और पोसेशन ऑफ नाउन्स। ऑफ का प्रयोग अधिकार या संबंध को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एक्सेप्ट पर्सन्स एंड एनिमल्स, व्यक्तियों और जानवरों को छोड़कर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। द कलर ऑफ द स्काई, ये क्या है, एग्जाम्पल है द कलर ऑफ द स्काई, आकाश का रंग। नेक्स्ट है द लेग ऑफ द चेयर,
द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी का टांग। नेक्स्ट है द विंडो ऑफ द हाउस, घर की खिड़की। नेक्स्ट है द वॉल ऑफ द ब्रिक्स, ईंट की दीवार। द वॉल ऑफ द ब्रिक, ईंट की दीवार। नेक्स्ट द बैट ऑफ द वुड, लकड़ी का बल्ला, लकड़ी का बल्ला। ऑफ का प्रयोग हम नाउन के अधिकार या संबंधों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, एक्सेप्ट पर्सन्स एंड एनिमल्स, व्यक्तियों और जानवरों को छोड़कर। आप इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं गलत, द कलर ऑफ द स्काई, आकाश का रंग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी पर्सन्स और जानवरों का उपयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट रूल इज इफ एस इज नॉट इन द एंड ऑफ प्लूरल नाउन देन अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड। अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं लगा है तब हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसके अधिकार या संबंध को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल वुमेन्स कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज। मेन्स हॉस्टल, पुरुषों का छात्रावास। नेक्स्ट चिल्ड्रेंस टॉय, बच्चों का खिलौना। नेक्स्ट मेन्स फैक्ट्री, पुरुषों का कारखाना। चिल्ड्रेंस स्माइल, बच्चों के मुस्कान। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं लगा हुआ है तो हम इसके अधिकार या संबंध को व्यक्त करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में वुमेन्स कॉलेज, महिलाओं का कॉलेज, वुमेन, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉच, देखने के लिए धन्यवाद।